स्वागत है आपका आज की धमाकेदार वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आप सबके लिए। दोस्तों आपको तो पता ही है MEXC जो एक्सचेंज है उसके ऊपर अब एमकॉइन है वो लिस्टेड है, वो हो चुका है। दोस्तों अभी के टाइम के अंदर वहां पे एमकॉइन है वो ट्रेड करना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों अगर अभी तक आपने MEXC एक्सचेंज के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इस वाली वीडियो पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वाली वीडियो के अंदर मैंने हर एक चीज बताई है कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आप KYC वहां पे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। हर एक चीज मैंने बताई हुई है, आप एक बार चेकआउट कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है वो दे दूंगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने एमकॉइन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उसका एक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो MEXC एक्सचेंज के ऊपर आप एमकॉइन को कैसे बाय कर सकते हो, कैसे सेल कर सकते हो, USDT कैसे बाय करना है, कैसे आपको सेल करना है, उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। और देन अगर आपके पास USDT है, अगर आपके पास बाइनांस अकाउंट है, और देन कैसे आप बाय सेल कर सकते हो, उसके बारे में पूरी जानकारी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी कि कैसे आपके पास USDT आएंगे, USDT आने के बाद आप कैसे एमकॉइन को बाय करोगे, कैसे आप सेल करोगे, और देन कैसे आप INR के अंदर अपने पैसों को बैंक अकाउंट्स के अंदर लेके आ सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें आपको पता चलने वाली हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। फिर बाद में आप हमें मैसेज करते हो कि सर मेरी ये चीज नहीं हो रही, मैंने बाय तो किया लेकिन सेल नहीं हो रहा है, या फिर मेरे सेल ऑर्डर पंच नहीं हो रहे, तो हर एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और देन वहां पे जाके हम समझते हैं कि कैसे आप यहां पे एमकॉइन को बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं फोन की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों फोन की स्क्रीन के ऊपर आके आपने क्या करना है, प्ले स्टोर ऐप से आपने क्या है MEXC एक्सचेंज को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे आप प्ले स्टोर के ऊपर जाओगे यहाँ पे लिखना है MEXC एक्सचेंज, ऊपर ही आ जाएगा, और देन यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे जो एक्सचेंज दिख रहा है इसको आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड कर लेते हो आप सीधा इसको ओपन करना है आपने, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करा हुआ है और देन मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अभी के टाइम के अंदर यहाँ पे आपको क्या है, KYC करनी है, ओके। KYC करने के लिए आपको क्या है कि ये वाली वीडियोस आप देख लेना, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर KYC कैसे करते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया है, ओके। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। और देन यहाँ पे आपको क्या है कि बाय सेल करना है एमकॉइन को, ओके। दोस्तों इसके अंदर बाय सेल करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या है कि आपके पास USDT होना चाहिए, ओके। इस ऐप के अंदर आपके पास USDT होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको USDT डिपॉजिट करने के लिए आपके पास ऑलरेडी पहले से आपके पास USDT होने चाहिए, ओके। USDT आप कहाँ से ट्रांसफ़र करोगे, आपके पास बाइनांस ऐप होना चाहिए या फिर कोई अदर एक्सचेंज होना चाहिए जिसके ऊपर आपके USDT ऑलरेडी पहले से पड़े हों, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हो बैंक अकाउंट के थ्रू तो यहाँ पे डिपॉजिट नहीं होता है बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले USDT चाहिए, USDT से आप क्या है एमकॉइन बाय कर सकते हो, ठीक है, एमकॉइन को बाय कर सकते हो यहाँ पे। फिर देन जब आप एमकॉइन को सेल करोगे तो आपके पास आएगा USDT, तो USDT को फिर आप क्या है बाइनांस के अंदर लेके जाके वहाँ पे सेल करेंगे, फिर जाके आपके अकाउंट के अंदर पैसे आएंगे, ओके। ये जो मेन चीज़ थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में आप ध्यान से समझिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का क्या है कि डाउट आता है सर बाद में, कि बोलते रहते हैं कि सर हमें INR के अंदर पैसा चाहिए और देन हमारे पास क्या है कि यहाँ पे एमकॉइन है, ओके। तो एमकॉइन को आप क्या है कि USDT के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, फिर USDT को आपने क्या करना है बाइनांस ऐप के अंदर लेके जाके वहाँ पे आपको क्या करना है एमकॉइन को आपने USDT को सेल करना है। जब USDT वहाँ पे आपके सेल हो जाएंगे तो INR के अंदर जो बंदा खरीद रहा है आपके USDT, ठीक है, तो वो क्या है कि आपको INR के अंदर पेमेंट करेगा, फिर जाके आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आते हैं, ओके। ये प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। चलो अभी बात कर लेते हैं कि आपके पास बाइनांस के अंदर USDT पड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए USDT को आपने बाइनांस के ऐप से अंदर क्या करना है, आपको विड्रॉल करना है, और देन कौन से नेटवर्क के ऊपर आप क्या है कि बाइनांस USDT को यहाँ पे आप क्या है कि डिपॉजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे डिपॉजिट के ऊपर आऊँगा, USDT के ऊपर आऊँगा, तो यहाँ पे आपको नेटवर्क सिलेक्ट करने हैं। देखिए यहाँ पे कितने सारे नेटवर्क आपको सिलेक्ट आते हैं देखने के लिए,
जैसे बाइनांस ऐप के अंदर आते हैं, सेम वैसे ही अगर आप TRC20 के थ्रू कर रहे हो तो TRC20 उठाना है, अगर BEP20 के थ्रू कर रहे हो तो BEP20 उठाना है, ठीक है, या फिर ERC20, एल्गो, और भी बहुत सारे अच्छे इन्होंने नेटवर्क दिए हुए हैं। ज़्यादातर लोग सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं इन दो नेटवर्क के अंदर, ओके। तो इनमें से जो भी आपके पास, देखिए अगर आप बाइनांस के थ्रू यहाँ पे USDT डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, BEP20 नेटवर्क को उठाना है, क्योंकि BEP20 के अंदर आपकी जो ट्रांजेक्शन फीस है वो बहुत कम लगती है, क्योंकि यह बाइनांस की खुद की ब्लॉकचेन है और देन खुद का नेटवर्क है, तो इसकी वजह से क्या है कि वहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन फीस है वो कम लगती है और देन ट्रांजेक्शन है वो बहुत ही फास्ट वहाँ पे होता है, ओके। देन अभी यहाँ पे आपके पास क्या आ गए, USDT आ गए, मान लीजिए आपने बाइनांस से यहाँ पे क्या कर लिया, USDT को डिपॉजिट कर लिया, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, USDT है आपके पास, आपने क्या करना है, वहाँ पे आपको चाहिए अभी Mcoin, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं Mcoin यहाँ पे खरीद के होल्ड करना चाहता हूँ, क्योंकि उसका प्राइस है वो आने वाले टाइम के अंदर बहुत बढ़ने वाला है, जहाँ फिर मैं ID एक्टिवेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे Mcoin को खरीद कर रखने वाला हूँ अपने पास, ठीक है। तो अगर आपके पास आ गई यहाँ पे USDT, ठीक है, अभी हम आते हैं होम पेज के ऊपर। होम पेज ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए मार्केट लिखा हुआ है, ठीक है, आपने क्या करना है, मार्केट के ऊपर सिंपल सा ओके करना है। जैसे आप मार्केट के ऊपर ओके करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी करेंसीज देखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे ऊपर एक चीज़ का ध्यान में रखिए, सपोर्ट वॉलेट है, ना कि फ्यूचर वॉलेट, ओके। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान में रखना है कि आपको सिर्फ ट्रेड किसके अंदर लगाना है, स्पॉट वॉलेट के अंदर, ओके, इस चीज़ का ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे आपने स्पॉट वॉलेट के अंदर क्या किया, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बॉक्स दिख रहा है आपको, इसके ऊपर जाना है, तो यहाँ पे लिखना है आपने Mcoin। जैसे आपने Mcoin लिखा तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला वाला ही हमारे पास आ गया Mcoin USDT, ठीक है। तो हम क्या है, USDT से Mcoin क्या है, बाय करने वाले, तो हम इसके ऊपर ओके करेंगे सिंपल सा। जैसे हम इसके ऊपर ओके करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास Mcoin का चार्ट है वो खुल के आ जाता है, ओके। यहाँ पे 1 आवर का चार्ट है, 4 आवर का चार्ट है, 1 डे का चार्ट है, वो चीज़ आप देख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आपको हमारे पास दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ओके, बाय और सेल का, बाय और सेल, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, पहले Mcoin बाय करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय के ऊपर ओके करेंगे सिंपल सा। जितने भी आपके पास USDT होंगे वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे, और देन जितने प्राइस के ऊपर आप क्या है Mcoin खरीदना चाहते हो वो चीज़ आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, ओके। खरीदना मतलब आपको सस्ते में खरीदना और महंगे में बेचना होता है, तभी आपको फ़ायदा होता है। अभी के टाइम के अंदर यहाँ पे इसका प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो कितना चल रहा है, 2.2 और देन 2.43, ओके। जो खरीदने वाले हैं 243, 204, 203 ऐसे बैठे हैं, लेकिन जो बेचने वाले हैं 290, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर वो डेली बेसिस पे लग भी रहे हैं, ओके। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है, यहाँ पे बाय और सेल, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखी होनी चाहिए, ओके। तो देन अगर आप बाय करना चाहते हो तो बाय के ऊपर ओके करोगे, अगर आप सेल करना चाहते हो तो सेल वाले को ऊपर ओके करोगे, तो यहाँ पे रेड हो जाएगा, ठीक है। सेलिंग का ऑप्शन है रेड और ग्रीन का ऑप्शन है बाय, ओके। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आ जाता है लिमिट का ऑप्शन, ओके। लिमिट का ऑप्शन क्या होता है कि आप एक लिमिट लगाना चाहते हो कि मुझे इस प्राइस के ऊपर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि जब ये 200 रुपये पे आए तो मैं इसको बाय कर लूँ, या फिर ये 150 रुपये पे आए तो मैं इसको बाय कर लूँ, ठीक है। अपने हिसाब से जितना भी आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो, तो उसका होता है लिमिट, ठीक है, लिमिट ऑर्डर। जैसे मैं मानता हूँ कि 210 पे आए तो मेरा ये ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली लग जाए, जितने भी क्वांटिटी के अंदर मैं यहाँ पे इसको करूँगा तो मेरे पास 75 यहाँ पे जितने भी USDT होंगे आपको यहाँ पे शो करने लग जाएंगे, जितने का भी आप बाय करना चाहते हो 50%, 40% या फिर 100%, जितने भी USDT है उसका आप करना चाहते हो बाय, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो देन जैसे बाय नाउ के ऊपर ओके करोगे, जैसे Mcoin बाय करूँगा, देन यहाँ पे मेरी ऑटोमेटिकली क्या है कि यहाँ पे मेरे कॉइन है वो बाय हो जाएंगे, ठीक है, इसी तरह से मेरा ऑर्डर है वो पिच हो जाएगा, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से अगर आप चाहते हो कि मुझे मार्केट प्राइस के ऊपर चाहिए, ठीक है, मार्केट प्राइस के ऊपर ही मुझे बाय करना है, तो देन यहाँ पे मैं इसको फुल करूँगा और देन बाय कर लूँगा, कितने USDT का चाहिए
वो यहाँ पे मैं इसको फिल करके आराम से बाय नाउ के ऊपर ओके करूँगा तो मेरा एम कॉइन है वो यहाँ पे बाय हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, बाय ऑर्डर लगाना है। ये चीज़ समझ में आ गई। फिर आपने क्या करना है, अगर आपने बाय कर लिया है सस्ते में, जैसे मैंने 200 रुपये में बाय किया, 210 में बाय किया, इसका प्राइस चल रहा है 250 प्लस, ठीक है, 260, 290, 280 इस तरह से प्राइस है वो चल रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि एम कॉइन को आज मैं सेल करूँ। ओके, तो आपने फिर से वही जाना है, मार्केट के ऊपर जाना है, मार्केट सपोर्ट के ऊपर जाके यहाँ पे एम कॉइन लिखना है, एम कॉइन को सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करते हो फिर से आपको बाय और सेल का ऑप्शन आ जाता है, आपने इस बार सेल के ऊपर ओके करना है। जैसे आप सेल के ऊपर ओके करते हो तो फिर यही वाला डैशबोर्ड आपके सामने खुल के आ जाता है। अगर आप यहाँ पे लिमिट लगाना चाहते हो तो लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। लिमिट ऑर्डर मतलब मैं चाहता हूँ कि 290 पे जाएगा मार्केट तो मेरा ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 290। ठीक है, तो इतना लिख के मैं इसको फुल कर दूंगा कि मेरा सारे कॉइन है वो यहाँ पे सेल होने चाहिए। तो जैसे मैं सेल नाउ के ऊपर ओके करूँगा, सेल एम कॉइन, तो मेरे सारे के सारे कॉइन क्या है कि मेरा 290 के ऊपर मेरा ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, 290 के ऊपर जैसे मेरा ऑर्डर लग जाएगा, जैसे ये प्राइस इसके ऊपर जाएगा, देन मेरे कॉइन है वो सारे के सारे सेल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, अपनी लिमिट ऑर्डर है वो लगाने। ओके, आप चाहते हो कि मुझे मार्केट प्राइस के ऊपर सेल करना है, जो भी अभी प्राइस चल रहा है 202, देन इसके ऊपर आपने 100% करके देन सेल ऑर्डर के ऊपर ओके कर देना है, तो आपके जितने भी कॉइन होंगे मार्केट प्राइस के हिसाब से आपके सेल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बाय और सेल करना है। लिमिट ऑर्डर क्या है वो चीज़ मैंने आपको बता दी, मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है वो भी चीज़ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ आपको हर एक चीज़। ठीक है, बाय करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए मार्केट का ऑप्शन दिखता है, अगर आप मार्केट प्राइस के ऊपर सेल करना चाहते हो या फिर बाय करना चाहते हो तो मार्केट यहाँ पे सिलेक्ट करके ऑर्डर लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको सेल करना है मार्केट प्राइस के ऊपर या फिर कोई लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हो तो आप वहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के बाय और सेल कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आपको डेली बेसिस पे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो एम कॉइन के अंदर। अगर आपको प्राइस कम दिख रहा है तो आप यहाँ पे ख़रीद सकते हो, अगर प्राइस ज़्यादा दिखता है तो आप वहाँ पे इसको बेच सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑर्डर लगाने हैं और देन ऑर्डर लगाने के बाद आपके पास क्या आता है, जब आप USDT से एम कॉइन खरीदोगे तो आपके पास क्या आएगा, एम कॉइन। ठीक है, अगर आप एम कॉइन को सेल करोगे, अगर आप एम कॉइन को सेल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, USDT। ठीक है, फिर USDT को आप अगर INR के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो, USDT को INR के अंदर लेना चाहते हो, ठीक है, INR के अंदर लेना चाहते हो तो आपको क्या करना है, Binance ऐप के अंदर जाके KYC कर लेनी है। Binance ऐप के अंदर आपको USDT को ट्रांसफ़र कर लेना है। USDT को ट्रांसफ़र करने के बाद वहाँ पे आप USDT को सेल करके P2P फॉर्म के अंदर देन आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसे वो आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मीथरवर्ल्ड के रिगार्डिंग कि कैसे आप इस न्यू एक्सचेंजर के ऊपर एम कॉइन को बाय और सेल कर सकते हैं, अपने ऑर्डर लगा सकते हैं, कैसे मार्केट प्राइस के ऊपर आपको ऑर्डर लगाना है, कैसे आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है वो चीज़ मैंने आपको बता दी, कैसे आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है वो भी चीज़ मैंने आपको बता दी, कैसे आपको INR के अंदर पैसे अपने बैंक अकाउंट के अंदर लेना है वो भी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ठीक है, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे अगर आप करते जाएंगे तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा और देन आप यहाँ पे अच्छी तरह से इसके अंदर बाय सेल कर सकते हो और देन बहुत ही अच्छा आप प्रॉफिट यहाँ से गेन कर सकते हो। ओके, तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा आप सबको मीथरवर्ल्ड के रिगार्डिंग। कैसी लगी वीडियो कमेंट कर जो बताना। इसी तरह से अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।